कंडक्शन। तो कंडक्शन जो होता है ये आप पहले से जानते हैं, कंडक्शन ऑफ चार्ज कंडक्शन ऑफ हीट। तो यहां बनता है इलेक्ट्रिक करंट और यहां हम टर्म यूज कर लेंगे हीट करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप जनरली टर्म जो फॉलो करते हैं स्मॉल आई, और हीट करंट के लिए मैं कहूंगा, मैं यूज करने वाला हूं कैपिटल एच। इलेक्ट्रिक करंट में आप लिखा करते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और हीट करंट के लिए हम लिखा करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, एच के लिए डी कैपिटल क्यू बाई डी टी। हम देखा करते थे कि यदि कोई रेजिस्टेंस आर होता था जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि भी होता था, तो आई इक्वल्स टू लिख देते थे वी बाय आर। और इनफैक्ट वी जो था वो चूंकि क्लास 9th-10th में थे तो आप घबरा जाते यदि वो वी के बदले कोई डेल्टा वी लिखता। इनफैक्ट वो भी पोटेंशियल नहीं था, वो पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक ना। तो चेंज जो दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का था उसके कारण इसे हम लोग डेल्टा वी कहते कह सकते हैं कि करंट किसके कारण फ्लो करता है, ये चार्ज फ्लोस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरह हम एक नया यहां फॉर्मूला देख लेते हैं कि हीट एनर्जी फ्लोज इन कंडक्टर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है फ्लो। और हम लोग यहां भी ऐसे ही सोच लेते हैं H इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई R। ये ड्यू टू सिमिलरिटी विथ करंट विथ आई, आई के साथ सिमिलरिटी के कारण, जैसे आई लिख रहे थे डेल्टा वी बाय आर, यहां हमने एच लिखा डेल्टा वी डेल्टा थीटा बाय आर। अच्छा, आर को हम वैसे कहते क्या थे, रेजिस्टेंस, चार्ज के मूवमेंट का जो अपोज करने वाली टेंडेंसी दिखता था हमें, उसके लिए हम कहते थे रेजिस्टेंस। आसानी से चार्ज को नहीं जाने देता है कोई मेटल एक जगह से दूसरे जगह। तो और हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करते थे, एक फॉर्मूला आता था और नहीं आता था, तो अभी 12th में और डिटेल देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता था लेंथ के
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था एरिया के, और यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था उसे रेजिस्टिविटी कहते थे, और उसके इनवर्स को कंडक्टिविटी कहते थे, 1/σ L/A। अब ये डिटेल आपको पढ़ने का मौका मिलता है 12th में भी, 11th 10th में इतना डिटेल देखने का मौका नहीं मिलता, 12th में ये डिटेल हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होगा किसी कंडक्टर का वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अब वो तो 12th अभी हमने नहीं पढ़ा, ये मान लेते हैं। तो एक बार दूसरे नजरिए से कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में एक तो हमने कंपैरिजन देखा कि कंडक्शन ऑफ चार्ज, कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी दोनों के एक जैसा आइडिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करता है। अच्छा, किधर से किधर चार्ज जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है। उसी तरह हीट किधर से किधर जाएगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। आप ये डायग्राम आपने अपने कॉपी पे बना लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और यहां देखिए कि एक लोहे का रॉड है जिसके एक तरफ हम लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ है। एक फर्नेस में ये रॉड का एक सिरा है, और दूसरे तरफ हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ है। यहां आइस खूब रखा हुआ है, या किसी भी तरह से मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ है। तो यहां ये आयरन रॉड यदि मैं बात करता हूं तो इसमें हीट को किधर से किधर आते जाते देखेंगे आप? 100 डिग्री टू 0 डिग्री। और देखा ये गया कि ये हीट जा रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। तो एक्सपेरिमेंट से जो हीट फ्लो का रेट है dQ/dt, ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है L के, ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के। यदि डेल्टा थीटा ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ। यदि यहां पर लेंथ बड़ा ले लें, बहुत लंबे रॉड की बात करता हूं, यदि लंबाई बढ़ा दें रॉड की तो हीट ज्यादा पहुंचेगा पर यूनिट टाइम या कम पहुंचेगा पर यूनिट टाइम? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखता है लेंथ के। बड़ा रॉड ले लेंगे 1 मीटर के बदले 10 मीटर का, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट जा रही होगी उसका रेट क्या हो जाएगा? कम। और यदि रॉड का एरिया ज्यादा लेते तो क्रॉस सेक्शन का तो ज्यादा हीट जा पाता है एक तरफ से दूसरे तरफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहां एक कांस्टेंट हमने ले लिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, यहां जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट where k is called
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आयरन के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। के डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, के इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारे पास हीट फ्लो का ये एक इक्वेशन आया, अब ये आपको याद रखना है, यही है लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। सर हाँ बताइए सर, वो वाला ये रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा ए बाय एल? एक्सपेरिमेंट करके आप बताइए, यदि टेम्परेचर डिफरेंस एक तरफ 500 डिग्री कर दूं और एक तरफ 0 डिग्री रहे, उस समय ज्यादा हीट आएगा या 100 डिग्री और 0 डिग्री के डिफरेंस पे ज्यादा हीट आएगा? सर 500 टू 0। इसका मतलब किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस के। ऐसे ही यदि मोटे रॉड को आप यूज करो आयरन का, तो ज्यादा हीट आते दिखता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ज्यादा लेंथ के रॉड का हम यूज करें, इन तीनों को अलग अलग देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, डीक्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा दिखता है, डीक्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखता है, डीक्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल 1/L दिखता है। इनको जब इकट्ठा करके देखते हैं तो ये आ जाता है ऐसा, डीक्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल दिखता है डेल्टा थीटा ए बाई एल। और अब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट आएगा, और देखा ये गया कि ये कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट के साइज शेप बदल देने पर नहीं बदलता। ये कॉन्स्टेंट जो है ये मटेरियल से रिलेटेड एक कॉन्स्टेंट है, और इसका नाम रखा गया थर्मल कंडक्टिविटी। और उसे हमने कहा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड नहीं कह रहे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कह रहे हैं, मटेरियल ऑफ रॉड। सर मैं इसे याद नहीं रख सकता, याद रखने का टेक्निक बताता हूं, धीरे धीरे 100 बार कॉपी पे इसे लिखो, 100 बार बोलो, याद हो जाएगा। लेकिन डायग्राम बना के दिमाग में ध्यान रखते हुए कि ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल है लेंथ, डेल्टा थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच का, के है मटेरियल की प्रॉपर्टी। अगले पेज पे आते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले तो एक इक्वेशन लिखा था, एच हीट फ्लो का रेट डेल्टा थीटा बाय आर, क्योंकि आई लिखते थे डी क्यू बाई डी टी डेल्टा भी बाय आर, ये सोच करके। और अभी अभी एक्सपेरिमेंट से आपने लिखा है एच डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल, तो इन दोनों के कुछ तो कंपैरिजन होना चाहिए। तो देखिए कंपैरिजन कैसे आप करते हैं, कि आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन एल 1/K एल बाई ए, जबकि एच आप लिखना चाहते हैं डी क्यू बाई डी टी डेल्टा थीटा बाई आर। तो इन दोनों को आप ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेरिजन वी कैन गेट आर इक्वल्स टू 1/K एल बाई ए, इसे कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड। ये जो रॉड आप देख रहे हैं, कोई जिसका एरिया यहां ए दिख रहा था, लेंथ एल है और मटेरियल की प्रॉपर्टी है के, तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो आएगा थर्मल रेजिस्टेंस
वन बाई के एल बाई ए। रेजिस्टेंस माने अपोज करने वाला प्रॉपर्टी। यदि लेंथ बड़ा है तो हीट के जाने को वो ज्यादा अपोज करेगा। एरिया यदि बड़ा है तो हीट के जाने को कम अपोज करेगा। रेजिस्टेंस कम है तो हीट ज्यादा फ्लो करेगा। तो आपको जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक करंट अच्छा चैप्टर लगा क्लास टेंथ में, उनको याद आ जाएगा आर सीरीज, आर वन प्लस आर टू, उनको याद आ जाएगा आर पैरेलल, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। और जिनको नहीं अच्छा लगा चैप्टर, घबराए नहीं, ट्वेल्थ में फिर से पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जिनको अच्छा लगा उनको कुछ बेनिफिट तो मिले, तो उनको ये ध्यान रखना है कि टेंथ में जो फॉर्मूले हमने रेजिस्टेंस के देखे वो सारे हीट रेजिस्टेंस में भी एप्लीकेबल है। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? हाँ, ये विचार मन में आ सकते हैं। पेज मैं चेंज करता हूं और एक बार देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन हीट करंट इज सेम, हीट करंट सेम होगा तभी तो सीरीज कहते थे आप। मान लो एक रॉड ये और दूसरा रॉड ये, आप यदि यहां देखते हैं एक जगह थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री, तो आइडियल कंडीशन में जितना हीट यहां जाते आप देख रहे होंगे उतना ही हीट इधर आगे जाते देख रहे होंगे इन सीरीज एच वन इक्वल्स टू एच टू। अब ध्यान से देखिएगा, आप यदि बात करते हैं या यहां से यहां जो जा रहा होगा दैट इज एच, एक साथ यदि आप जाते देखें तो आप गौर करिए, आप क्या लिखना जानते हैं, एच इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय आर। तो आपके पास डेल्टा थीटा हो जाएगा एच इंटू आर। आपको यदि ये आइडिया समझ में आए तो ध्यान से देखिए, एच वन हम लिख रहे हैं थीटा वन माइनस थीटा टू बाय आर वन, एच टू हम लिख रहे हैं थीटा टू माइनस थीटा थ्री बाय आर टू, और एच हम लिख रहे हैं सीरीज वाला थीटा वन माइनस थीटा थ्री बाय आर, आर इफेक्टिव जो भी होगा। अरे पहले वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस हमने माना आर वन और दूसरे वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस है आर टू, अलग अलग दिख रहे हैं तो अलग अलग कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उनमें जो हीट का हमने वैल्यू देखे फ्लो का वो सामने है। तो पहले वाले से आपको क्या पता चल गया, थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल्स टू, और ये एच वन एच टू और एच सारे एक जैसे होते हैं, एच वन आर वन या एच आर। दूसरे से क्या दिख गया, थीटा टू माइनस थीटा थ्री इक्वल्स टू एच टू आर टू या एच आर टू।
और थीटा वन माइनस थीटा थ्री बराबर क्या दिख गया, एच आर, वो तो एच आर ही हम रख रहे हैं। हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है थीटा वन माइनस थीटा थ्री इक्वल्स टू थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस थीटा टू माइनस थीटा थ्री। ये सिंपल अलजेब्रा वाला रिलेशन, देखो ना थीटा टू कट जाएगा तो आपके पास राइट साइड में बचेगा थीटा वन माइनस थीटा थ्री जो कि लेफ्ट साइड में है। अब देखिए थीटा वन माइनस थीटा थ्री के बदले मैंने लिख दिया एच आर, थीटा वन माइनस थीटा टू के लिए एच आर वन, थीटा टू माइनस थीटा थ्री के लिए एच आर टू, एच कैंसिल आउट हो गया तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया आर वन प्लस आर टू। ज्यादा स्ट्रेस ना ले आप, तो यदि टेंथ पास कर चुके क्लास में बैठे होंगे दो चार दिन तो आप में से हर एक बच्चे को याद होगा आर सीरीज आर वन प्लस आर टू, भले ही क्वेश्चन में अप्लाई करने में दिक्कत होता हो लेकिन ये याद सबको रहता है मोस्टली बच्चों को। तो आप ये सोचिए ना कि ये सीरीज वाला वही फॉर्मूला है जो हम करंट में देखा करते थे, हीट इलेक्ट्रिक करंट में, हीट करंट में भी वही यूज करेंगे। सर मैं तो इसे नहीं याद रख पाऊंगा, ऐसे यदि विचार आ रहे हो तो घबराना मत। कंडक्शन से मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक करंट में ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी पूछता है और इलेक्ट्रिक करंट आप एक महीने दो महीने पढ़ते हो क्योंकि उससे तीन तीन क्वेश्चन चार चार क्वेश्चन पूछता है और वो सारे आइडिया जो वहां सीखते हो यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां यदि बाय चांस कुछ मिस करता होगा तो वहां आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। यहां चेक करिए आपके सामने मैंने ऐसे देखा रॉड जिसके यहां पर एरिया है 3a, लेंथ है l, इसका भी लेंथ है l, ये है 2k, ये है k, इसका एरिया है a। यहां पर टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको ये जंक्शन देख रहे हैं ना जहां जुड़ा हुआ है उस जगह का टेम्परेचर है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड जंक्शन टेम्परेचर थीटा। अब यहां जंक्शन का टेम्परेचर बताने को कहा गया है आपसे। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और आपको लगे कि ये ठीक है सोचा जा सकता है तो खुशी की बात और नहीं भी सोचा जा सकता है तो भी घबराना नहीं। केवल मुझे ये बताइए हीट जा कहां से कहां रहा होगा। सर आगे से पीछे, तो लेफ्ट टू राइट और ये सीरीज में दिख रहा है तो एक ही जैसा हीट हम सोचेंगे क्योंकि हीट का फ्लो जब होगा तो वैसा ही है जैसे पानी का फ्लो किसी पाइप में होता है, पाइप बड़ा हो या छोटा हो, यदि एक सिरे से एक लीटर पर सेकेंड इंटर करेगा तो दूसरे सिरे से एक लीटर पर सेकेंड निकल के आएगा तभी फ्लो मेंटेन रह पाएगा इस फील्ड में। तो जब हीट का भी फ्लो होता है तो आप कहते हैं स्टेडी स्टेट, वो स्टेट जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, हीट पकड़ के रॉड अपने पास नहीं रख रहा, वो जो लेफ्ट किनारे से हीट ले रहा है उसको राइट किनारे तक पहुंचा दे रहा है, वो अपने पास नहीं रख रहा हीट और ना ही बाहर भेज रहा है। सर आपने कैसे माना बाहर नहीं भेज रहा, क्योंकि अभी एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेप है, शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक की। तो मान के चलते हैं आपके सिलेबस में 99.99% की कंडक्शन की बात कर रहा हो तो परफेक्ट कंडक्शन, आइडियल कंडक्शन, एक तरफ से हीट, एक हाथ से हीट लिया दूसरे हाथ को दे दिया, पकड़ के अपने पास नहीं रखा। तो जो लेफ्ट आर्म में आप देख रहे होंगे हीट, मान लो उसका नाम H1 कहते हैं और राइट आर्म वाले का H2 कहते हैं, तो हम क्या कह देंगे सॉल्व करते वक्त, सॉल्व करते वक्त हम कहेंगे
इन सीरीज, एच वन इक्वल्स टू एच टू, डेल्टा थीटा वन बाई आर वन इक्वल्स टू डेल्टा थीटा टू बाई आर टू, 200 माइनस थीटा अपॉन वन बाई टू के एल बाई थ्री ए, और थीटा माइनस 40 अपॉन वन बाई के एल बाई ए. आगे मेंशन कर लीजिएगा सिंस आर इक्वल्स टू वन बाई के एल बाई ए. ये आर वाले फॉर्मेट में ही मैं क्वेश्चन बनाने की सलाह आपको दूंगा. कारण ये है कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक करंट में हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, और इलेक्ट्रिक करंट की आदत है, वो टेंथ में भी पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे, और इलेवेंथ में उनको यूज करेंगे. तो हम वही फॉर्मेट फॉलो कर लें जो हर एक दोनों में काम आए, इलेक्ट्रिक करंट में भी और इसमें भी, तो बेहतर है. तो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मेट में ही इक्वेशन को सोचें, एक हैबिट बनाएं. सर जो वो दूसरा फॉर्मेट है वो, अरे वो भी यहीं तो पहुंचेगा. सर एक बार समझाना तो कैसे यहीं पहुंचेगा. अच्छा सोचिए, एच वन इक्वल्स टू एच टू वाला दूसरे तरह से यदि हम लिखते एच वन इक्वल्स टू एच टू, तो वो क्या लिखते, के वन ए वन डेल्टा थीटा वन बाई एल वन इक्वल्स टू के टू ए टू डेल्टा थीटा बाई एल टू. तो वहां उसको चेक करके देखिए, थ्री के टू के डेल्टा थीटा 200 माइनस थीटा इंटू ए दैट इज 3a बाई एल. ये वहीं पहुंच गया जहां ये था, के ए को भेज दो ऊपर, टू के थ्री ए को भेज दो ऊपर. तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप रेजिस्टेंस वाले फॉर्मेट में ही काम करिए. चाहे तो दूसरे तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस वाला फॉर्मेट का एक हैबिट डेवलप करिए. सर रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं वो मुझे नहीं पता. अरे यार उसी के तो प्रैक्टिस करना है आपको. आर इक्वल्स टू वन बाई के एल बाई ए. देखिए यदि ये रॉड है एल लेंथ का, के रेडियस आर है, तो आर लिखेंगे वन बाई के एल बाई पाई आर स्क्वायर. यदि आप देखते हैं कि रॉड है रेक्टेंगुलर एरिया वाला, ये लेंथ है एल, हीट इधर से इधर जा रहा है, ये एच ये बी ये एल, तो आप हीट जाता देखते हैं तो रेजिस्टेंस लिखेंगे वन बाई के एल बाई बी एच. यदि आप देख रहे हैं एक हॉलो सिलिंड्रिकल रॉड होता, हॉलो सिलिंड्रिकल रॉड होता का मीनिंग समझो ना, कि ये जो मटेरियल है वो मटेरियल केवल ये होता, भीतर खोखला है, यहाँ एयर, बाहर भी एयर. अब यदि ऐसे केस में आपको हीट जाता देख रहे हैं, ऐसे हीट जाता देख रहे हैं, उनके लिए जो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते वन बाई के एल बाई ए, तो ध्यान दीजिएगा यदि रेडियस इसका आप देख रहे होते इनर का आर वन और आउटर का आर टू, तो वन बाई के तक तो ठीक है, एल भी ठीक है, एरिया हो जाता पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर. आपने रेजिस्टेंस लिखना सीखा. यदि रॉड का लेंथ दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो जिससे गया हीट मेटल का, तो ये देखो ना पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर, यही तो हो जाता वो ये जिससे एनर्जी जा रहा है. तो रेजिस्टेंस लिखने का ये टेक्निक दोनों जगह काम आएगा, इलेक्ट्रिक करंट के एक टाइम पे भी काम आएगा और हीट के टाइम पे भी काम आएगा. बड़ा वाला जो एरिया है उसको देखो, उनमें जो एयर वाला पैसेज का एरिया है वो हटा लो तो मेटल मटेरियल का एरिया निकल आएगा. विशाल एरिया लिखना जानते हो, ठीक. आर इक्वल्स टू
वन बाई के एल बाई ए आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रेजिस्टेंस लिखने के लिए, के है कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का सिंबल केवल बदल जाएगा, ये फॉर्मूला एज इट इज यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट में भी। यहां पिछले पेज पे आकर के आप करंट का एक बार वैल्यू देख लो, वो जो वो थीटा का वैल्यू, जंक्शन के टेम्परेचर का वैल्यू, कुछ कट पिट सकता है तो उनको भगाओ, ये चेक कर लो ऐसे कट गया। इक्वेशन फिर क्या बन जाएगा, इक्वेशन आप बना रहे हैं तो 6 ऊपर आ गया, 1200 माइनस 6 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 40, 7 थीटा इक्वल्स टू 1160, यही ना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1240 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, अच्छा, प्लस हो जाएगा, सॉरी 1240, और 1240 बाई 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा जंक्शन का टेम्परेचर। तो हम लोगों ने, हाँ 177.1, तो हम लोगों ने ये देखा, और इसमें जंक्शन का ही नहीं कहीं और का भी यदि पूछा जाए तो हम निकालने के लिए तैयार है। और सोचो रॉड में हीट तभी जा रहा है जब उसके हर एक सेक्शन का अलग अलग टेम्परेचर होगा, क्योंकि हीट फ्लो होता है हायर से लोअर। तो आप इस चक्कर में मत रहना कि एक जंक्शन का हमसे पूछेगा, सोचो ये रॉड है यूनिफॉर्म और आपने यहां देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां देख रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए कि यहां इस जगह, ये पूरा रॉड है एल लेंथ का, इस जगह एल बाई 3 डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना होगा सेक्शन का। तो इनके सोचने का भी रास्ता आप देख सकते हैं, यहां से यहां जो हीट आएगा और यहां से यहां जो हीट जाएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। पहले एग्जांपल देख लो और सॉल्व करने के लिए रास्ता देख लो, ये सीरीज में है, एक ही हीट जा रहा होगा दोनों जगहों से। तो आप हीट के लिए क्या लिखते, 100 माइनस थीटा बाय आर बाय 3, और ये लिखते थीटा माइनस 10 बाय 2 आर बाय 3। अरे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, अरे यार आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो लेंथ एक का है एल बाई थ्री, एक का है टू एल बाई थ्री, तो एक का आर बाई थ्री, एक का टू आर बाई थ्री, हमने डायरेक्ट सोच लिया, और डायरेक्ट सोच लिया तो इधर आ गया 300 माइनस 3 थीटा उस दूसरे, अरे दोनों तरफ से ये पहले कैंसिल आउट कर दो और फिर चेक कर लो, ये जो रिलेशन हम लिख रहे थे 200 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 10, 210 इक्वल्स टू 3 थीटा, थीटा आ गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। सर मैं तो ऐसा कतई नहीं लिखूंगा, अरे तो बड़े अच्छे बच्चे हो, तो एक काम करो ना ऐसे लिख लो, H1 लिख रहे हैं के ए डेल्टा थीटा बाई एल, दूसरा लिख लो H2 के ए डेल्टा थीटा, थीटा माइनस 10 बाई 2L/3, क्योंकि L माइनस L/3 2L/3 हो जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए रिजल्ट आ जाएगा। यदि आप लिखना चाहते हैं, यदि आप ये लिखना चाहते हैं के ए 100 माइनस थीटा H1 और H2, तो उनके जो बेसिक फॉर्मूला था अपने पास, A1 डेल्टा थीटा बाई L1 और K2 A2 डेल्टा थीटा बाई L2, वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं और इनको भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इक्वेशन सेम है तो रिजल्ट सेम आने वाला है। तो क्या मैं मान के चलूं कि कंडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम काम कर रहे हैं, ये आपके समझ में आए?
लोहे का रॉड है और इस रॉड को आपने मोर करके एक रिंग बना दिया, बहुत ताकतवर हैं आप, और इस रिंग के दो पोजीशन में अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिफॉर्म रॉड को आपने मोर करके, यूनिफॉर्म रॉड को आपने मोर करके क्या किया देखो, यूनिफॉर्म रॉड को मोर करके रिंग बना दिया और दो जगह टेम्परेचर लिख दिया, एक जगह 100 डिग्री एक जगह 0 डिग्री। तो क्या हो रहा होगा, हीट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा रिंग में या एंटी क्लॉकवाइज, या दो अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग सेक्शन में। अच्छा, हीट कहां से कहां जाते देखोगे, 100 से 0 और 0 से फिर वापस 100, 0 टू 100, 0 से 100 जाएगी हीट अपने आप, लोअर से हायर अपने आप जा सकती है हीट, 0 से 100 या 100 से 0 कहां से कहां जाएगी। एक जगह आपने 100 मेंटेन्ड है, ये यहां एक जगह 100 मेंटेन्ड है और दूसरे जगह 0 डिग्री मेंटेन्ड है बर्फ और आइस वाइस डाल के। तो हीट हमेशा जो फ्लो करता दिखेगा वो दो रास्तों से, ऐसे, यदि ये 90 डिग्री का सेक्शन है, यदि ये 90 डिग्री का सेक्शन है और आपको ऐसे लग रहा है, तो हीट के फ्लो का जो यहाँ रेट होगा वो कितना होगा, दोनों रास्तों से फ्लो जो होगा उसका रेट क्या होगा। दो रास्ते से हीट जाता दिख रहा है आपको, दो रास्तों से जो हीट जा रहा है इनके हीट के फ्लो का रेट क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। H1 by H2, हीट करंट का रेट H1 by H2 क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, हीट फ्लो के रेट की यदि मैं बात करता हूं तो H1 कैसे लिखोगे आप, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस क्या लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो तीनों सेक्शन का आर 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 मैं कह दूं। H1 देखिए कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 बाय आर, और H2 क्या लिखेंगे आप, 100 माइनस 0 बाय 3 आर। H1 क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 0 बाई आर, और H2 क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 0, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों सेक्शन का यही है, बाई 3 आर क्यों ले रहे हैं ये बताइए। तो दूसरे सेक्शन में लेंथ पहले सेक्शन का ट्रिपल है, यदि इस तरफ का लेंथ आप कहते हो L, तो इधर का लेंथ होगा 3L, तो इधर का रेजिस्टेंस R, तो दूसरे तरफ का रेजिस्टेंस 3R, या चार बराबर सेक्शन आप यदि कर देते हैं रिंग के, तो हर एक सेक्शन का R, तो एक तरफ 100 से 0 छोटे रास्ते से जो हीट आते देख रहे हो उसके लिए रेजिस्टेंस R, और बड़े रास्ते से हीट आते देख रहे हो उसके लिए रेजिस्टेंस 3R, लंबाई 3 गुना होने के कारण। तो आप अब रेशियो देखो ना, इनको डिवाइड करने पे कौन सा वैल्यू कट वट जा रहा होगा, चेक करके देखो क्या कैंसिल आउट हो गया। तो ये H1 by H2 आ गया 3/1, तो ये रेशियो हमारे सामने है 3:1 में, रिजल्ट देख रहे हैं। इनमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, आप लोगों के अभी क्लास है क्या, ये जिन बच्चों के समझ में आ गया हो प्लीज हैंड राइज कर दे। बहुत बढ़िया, दुष्यंत, सौमिल, आदित्य, दिव्यांशु, क्षितिज, केतव, सोम, प्राप्ति, भव्या, कीर्ति, अजिंक, वेदांत, विशाल, आर्यन, रिद्धिमा, पलक, कार्तिक, अंश, लक्षिता, अबरार, बहुत बढ़िया। मायशा, विशाल, क्या हाल है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलिए, तो इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं कंडक्शन में, और ये स्टाइल रेजिस्टेंस वाला आप दिमाग में सेट करिए, क्योंकि इसका फायदा ये मिलेगा कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे
तो वहां जितने भी आइडिया कलेक्ट करेंगे वो सारा आइडिया यहां डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यूड रहेगा। आपके जिन लोगों के डाउट थे उनमें क्या ऐसा है कि 5 मिनट में हो जाएगा या ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं? जिनके डाउट, हाँ फिर से बताइए सर। 3-4 डाउट है। 3-4 डाउट तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मे भी कॉमन ना हो तो आपके आंसर्स में बता दूं, और कॉमन लगेगा मुझे टफ टाइप तो सबको अगले क्लास में पहले वही बता दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। डाउट किनका था, क्षितिज या दुष्यंत, किनका? सर सोम दर। सोम, तो सोम आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे डाउट, और अगले टर्न पे मैं पहले डाउट ही बता दूंगा क्लास में। वो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कॉमन यदि रहता है, मोस्टली कॉमन हो सकता है हो तो, और फिर आगे पढ़ेंगे। कंडक्शन कंटिन्यूड रहेगा अगले लेक्चर में भी। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।